सो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ हम लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में इस फैन को हम रिपेयर करने वाले हैं, जर्नी इसको कोर्स पूरा दिलवाने, ए टू जेड इसका कोर्स करेंगे, कैसे इसको रिपेयर किया जाता है, कैसे इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, सभी इस वीडियो में बात करेंगे। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा एंड आप प्लीज़ आप बोर हो जाइएगा। तो प्लीज़ यार वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपको कोर्स सीखना है तो। अगर आपको कोर्स नहीं सीखना है तो इस वीडियो को यहीं से एंड कर सकते हैं, और अगर आपको कोर्स सीखना है तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आपके पास ऐसा फैन जो है वो खराब हो चुका है, तो डायरेक्टली उसके आगे से, जैसे कि यहाँ से आपको बता दें, यहाँ पे देख सकते हैं इसके आगे की जो है वो प्लेट खोल दी गई है। तो यहाँ पे आपको नोट दिख रहा है, यहाँ पे ऊपर में यहाँ पे नोट दिया रहा है, यहाँ से आप खोल सकते हैं। यहाँ पे एक पेचकश की मदद से या टेस्टर की मदद से आप खोल सकते हैं। उसके बाद ये आपका बाहर वाला जाली निकल जाएगा। उसके बाद जाली निकल जाने के बाद आपको एक बार इस फैन को ऐसे चलाकर देख लेना है। अगर आपका फैन नहीं चल रहा है तो उसको एक बार ऐसे खोल के ऐसे चला के देख सकते हैं। दोस्तों ये अच्छे से मूव कर रहा है। अगर आपका जाम होगा तो आपके इसको आगे से यहाँ से तेला दीजिएगा, जैसे कि थोड़ा तेल या कुछ इसी से। यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे अंदर साइड में यहाँ पे तिला दीजिएगा और 100% ओके हो जाएगा। अगर आपका जाम नहीं है फिर भी नहीं चल रहा है तो आपको बता देते हैं कैसे आपको उसको रिपेयर करना है। ये दोस्तों जाम नहीं है, ठीक है। अगर आपका जाम होगा तो उसको तिला कर देख लीजिएगा, कहीं जाम की वजह से ना चल रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी दोस्तों दिक्कत होती है, यहाँ पे जो ये स्विच आपको दिख रहे हैं, जैसे कि आपको ये वाला स्विच जो है ख़राब हो जाता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा दोस्तों स्विच ख़राब होता है। तो डायरेक्टली आपको ऐसे करना है और इसके बाहर वाला जो प्लेट होता है उसको आपको खोल देना है, और सभी वायरों को, जैसे ये सब वायरें हैं, सभी वायरों को आपको छोड़ा देना है, सभी वायरों को छोड़ा देना है। यहाँ पे जितने भी कनेक्शंस हैं उन सबको छोड़ा देना है। सभी कनेक्शन छोड़ा देने के बाद ऊपर से आपको यहाँ पे इसके अंदर से आपका तीन वायर निकला होगा, देख सकते हैं, जो आपके कॉइल के अंदर की जो वायरिंग होती है उसका ये तीन वायर है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको नीचे दिया हो गया होगा ये वायर, और दो वायर एक और यहाँ से ही निकला होगा जो 220 वोल्ट के लिए, तो हमने छुड़ा दिया है आपको क्लियरली दिखाने के लिए। तो आपको ये तीन वायर छांट लेना है जो इधर से आए हैं, इस जो कॉइल है यहाँ पे जो मोटर है उसमें से तीन वायर आए होंगे और दो वायर 220 वोल्ट का इनपुट होगा, तो आपको वो तीन वायर ले लेना है और इन तीनों वायर की सीरीज कनेक्शन चेक करनी है। कैसे करनी है वो आपको बता देते हैं डिटेल्स में। तो आपको एक ऐसा जो है बोर्ड लेना पड़ेगा, सीरीज बोर्ड। अगर आप नहीं जानते सीरीज बोर्ड कैसे बनाया जाता है तो आप कमेंट कीजिएगा, तो अब हम बता देंगे कैसे हम उसको बनाते हैं। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको पता नहीं होगा, दोस्तों हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ पर आपको कुछ भी बनाना हो या फिर कुछ भी ख़राब हो जाता है तो उस पर आप कमेंट कीजिएगा। जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस ग्रुप पे जाके मैसेज कीजिएगा कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है कैसे होगा, तो वहाँ पे आपको सारे जो मेरे और सब सब्सक्राइबर है वो आपको हेल्प कर देंगे, और वो हेल्प नहीं करते तो हम हेल्प सभी का करते हैं। तो यहाँ पे स्विच बोर्ड वहाँ से आप पूछ सकते हैं कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये दो वायर है जो वहाँ पे प्लग लगाया गया है, इस वो वायर को सटाएंगे तो हमारा जो रेड बल्ब वो जलेगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा डिटेल्स में इसको समझेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कैसे सीरीज बोर्ड बनता है, तो इसको सीरीज बोर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तीन वायर आ रहे हैं, आपका कहीं पे लाल होगा कहीं पे हरा होगा, कैसा भी होगा आपको उसको नहीं देखना है, डायरेक्टली आपके किसी से किसी वायर में, जैसे कि ये वाला है, टच करना है आपको। देख सकते हो दोस्तों रेड बल्ब कितना स्लो जा रहा है। सो फिर से आपको बता देते हैं, यहाँ पे और कहीं पे टच करेंगे आप, एक सेकेंड, यहाँ पे सीरीज बोर्ड ओके है, काम कर रहा है, और यहाँ पे और यहाँ बहुत दोस्तों कम आएगा, इसका मतलब ये जो है ओके है। और एक और ये वाला है, सभी वायरों को हम कहीं कहीं पे टच करके देखेंगे, आना चाहिए रीडिंग, ये सबसे कम जल रहा है, देख सकते हैं। आपको अच्छे से दिखाते हैं, रेड बल्ब बहुत स्लो जल रहा है। तो ये वाला जो दोनों वायर है वो हमारा कंडेंसर जुड़ाएगा, जैसे कि आपको बता देते हैं, यहाँ पे हम आपको बता देते हैं ये जो दोनों वायर है ये हम इस कंडेंसर में जोड़ेंगे, ये जो दोनों वायर है इसको हम इस कंडेंसर में जोड़ते हैं। यार हमारे चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सभी कोर्स इसमें हम देते रहते हैं। तो ये हमने दोनों वायर जोड़ लिया है, और एक हमारा ये मेन हो गया, और इसमें एक मेन हम अपना वायर जो है, और एक जो है हम यहाँ अभी सीरीज यहाँ पर लाइन है, देख सकते हैं, और इस पर हम ये वायर से सटा कर देखते हैं फैन जो है हमारा चल रहा है कि नहीं,
एक जो आपका मेन में देख सकते थोड़ा सा फैन चला, एक जो है हमारा मेन में और एक जो कंडेंसर की किसी भी एक तार में शोर जो टच करेंगे तो आपका फैन जो है उल्टा या फिर सीधा चलेगा। तो सीधा होगा उसमें आप जोड़ दीजिएगा तो 100% ओके हो जाएगा। सो ये हो गई डायरेक्ट कनेक्शन स्विच से बिना स्विच के काम करने का। सो और सब भी बहुत सारे खराबी आते हैं इसमें। अब डायरेक्टली इसमें कोई भी खराबी नहीं बल्कि डायरेक्ट आपका कॉयल का खराबी आता है। तो ये आपको डायरेक्ट मेन में जोड़ना है और ये जो एक वायर है ब्लैक वाला इससे हमारा सीधा चल रहा है तो उस पर टैपिंग करेंगे, उस पर कुछ भी वायर नहीं जोड़ेंगे। और ये जो हमारा हो गया वो दोनों मेन में हमारा जो 220 वोल्ट इनपुट लेती है वहाँ पे हम इसको कर देंगे और तब भी आपका नहीं चलता फैन तो आगे आपका इसमें प्रॉब्लम होता है। तो इसको रिपेयर करना हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट कीजिएगा तो फिर इसका भी एक वीडियो लेकर हम आएंगे। तो यार चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करो, क्या कर रहे हो भाई, मारो ठोको सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करो क्योंकि हम कोर्स देते रहते हैं यार। चैनल को सब्सक्राइब मारो, वीडियो को लाइक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।